गुड मॉर्निंग, जय मुरलीधर। तो मिल्क भरने के लिए जा रहे हैं। चलो, रास्तों का नज़ारा दिखाता चलूंगा। कल तो बहुत ज्यादा पानी जा रहा था, आज तो कुछ नहीं होगा। तो देखो गाइस, रास्ता पूरा धुल चुका है। यहाँ तहाँ से निकल गया है पत्थर वगैरह। देख रहे हो, गाड़ी भी फूल खुल हो रही है। और ये देखो, यहाँ पर भी पत्थर आ गया। यहाँ से नीचे गिर जाते हैं। और बाइक में भी इतनी आवाज आ रही है ना। ये देखो, यहाँ पर पत्थर गिर गया। तो नदी नदी में से पानी चला जाता है, उसके बाद कैसा हो जाता है, उस तरीके का रास्ता हो गया है। देखो आप लोग, कहीं कहीं पर गिर गई है। ये देखो, यहाँ पर दीवार गिर गई पूरी की पूरी, और धूल भी गया पूरा नीचे। देखिए, ओहो, यहाँ पर कितनी मिट्टी आ गई गाइस, और यहाँ से भी कितना धुल गया। तो उस तरफ रास्ता है ना, उसका पानी यहाँ से खेत से होकर सारा यहाँ पर आता है। ये सारा कुछ धुल गया देखिए। और यहाँ पर भी देख रहे हो कितने पत्थर दिखने लगे। चलो अभी चलते हैं आगे यहाँ से। गाइस, कल मैंने आपको पानी दिखाया था ना, वो यहाँ से जा रहा था। ये देखो आप लोग, तो वापस निकल चुके हैं मिल पर के। तो अभी वापस जाते वक्त वो दिखाता हूँ आपको। कल दिखाया था ना मैंने, रास्ते में से पानी जा रहा था, वो तो उसी रास्ते से आया था। इस बारी तो मैं जैसे तालाब और नदी में से पानी आने के बाद निकलते हैं ना, वैसा लुक आ रहा था, तो दिख गया था ना। चलो आगे चल के अभी दिखाता हूँ बाइक ऑफ करके। तो ये देखो, ये वाली लोकेशन दिखाई थी ना आपको, यहाँ पर बाइक खड़ी की थी और यहाँ से इस तरफ तो ये पुल के ऊपर से पानी आ रहा था। तो देखिए हमारा रास्ता भी कितना गहरा है, तो उतना पानी जा रहा था। अभी भी देखिए थोड़ा थोड़ा निकल रहा है यहाँ से, देख रहे हो, यहाँ से हल्का हल्का निकल रहा है, क्योंकि अभी वहाँ पर ये सारे में पानी है ना, वो सारा अभी निकल रहा है। तो आ गया घर पे, चलो नाश्ता पानी कर लेते हैं। तो नाश्ता हो गया है कंप्लीट। सच बताओ ना तो आगासी पर गए थे काम करने, इसलिए बहुत लेट हो गया, और कपड़े भी खराब हो गए थे, इसलिए देखिए चेंज हो गए। चलो अभी सामने की बॉर्डर पर चलते हैं, वहाँ पर गड्ढा है ना, वो देखने चलते हैं उसमें कितना पानी इकट्ठा हुआ है, पहले कुआ देख कर आते हैं। अभी भी मौसम देखो आप, क्राउड ही है, कभी भी बारिश आ सकती है ऐसा लगता है। आज तो ना है तो अच्छा है, क्योंकि हमने ना अगासी पर एक जुगाड़ लगाया है, काम करके ना, तो आगे आपको बताऊंगा। तो देखिए पानी इतना भर चुका है, पंखे से तो बहुत नीचे है लेकिन बहुत आगे तक पहुंचा है। ये देखो वहां पर, देखो डेट का बाकी कबूतर बैठे हैं। तो इतना कुआ भरा है, बाकी आपको हर दिन दिखता रहेगा अभी, क्योंकि अब काम तो है नहीं कुछ भी। बारिश आए तो बारिश देखनी है, और बारिश अगर ना हो और बारिश जैसा लगता है तो खेत में बाहर निकल कर कुछ ना कुछ दिखाता रहता है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते, पता है आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, फिर काम स्टार्ट होगा तो मस्त मस्त वीडियो आती रहेंगी। वैसे हर दिन आने ही वाली है, जो भी कुछ होने वाला है, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो। तो चलते चलते जाते हैं अभी उस तरफ बॉर्डर पर, और मुंह पर
भी देखते जाते हैं। पास में पहुंच गए हैं और वो ढाबे का लादी जैसा बनाया था टाइल्स जैसा वो भी यहाँ डला है, वो भी दिखा था। देखो यहाँ पर हमने इकट्ठा किया हुआ था, आगे से देखते होंगे वीडियोस तो पता होगा, जो नए जुड़े हैं उनको नहीं पता होगा। देखो यहाँ से लाइन से बिछा दिए थे, कागज रखा था नीचे और उसके ऊपर में इस तरीके का इतना गहरा धाबा किया था। देखिए तो ये सारा कुछ ग्राइंडर से कट करके निकाला था। चलो अभी ये रहा गड्ढा, इसमें भी इतना पानी पड़ चुका है। देखिए तो ये देखो यहाँ से बहुत गहरा है, शायद इतना ही बोल सकते जितना खाली है ना उतना गहरा भी है। अभी तो ये और भरने वाला है तभी मस्त बारिश, मतलब मस्त मूंगफली होगी, बारिश नहीं पर मूंगफली। तो ये देखो ऐसा कुछ है पानी, यहाँ पर भी टुकड़े डाले हुए हैं, ये भी हमने ही डाले थे इस तरफ। और ये गाइस हमारे खेत में नहीं आता है, हमारे बॉर्डर के पास में हमारे पड़ोसी का है। छोटे बच्चे की तरह लगा हुआ हूँ गाइस। पानी बहुत देखिए गंदा सा है क्योंकि ये खेत में से होकर आता है, इतना पानी बारिश से थोड़ी ना पड़ जाता। देखो वहां से आया होगा और वहां पर देखिए बेलों से करती दीवार, वरना वहां से तो पूरा धस जाता था, तो वहां से भी पानी आता है और यहां पर भी भरता है गाइस। मतलब कि पानी भरता है यहाँ पर, बहुत बारिश आती है ना तो यहाँ पर भी पानी भर जाता है। तो ये सारा पानी हमारे खेत में से होकर के रामसी बाबा के क्रॉस से ना वहाँ पर कुआ कहाँ है ये वाला नहीं वहाँ पर है ना वहाँ पहुँचता है और उनके काटिए से होकर के हमारे रास्ते में जाता है, तो यहाँ से उस तरफ चलता है। तो ये पानी हमें कभी कभार नुकसान करवा देता है लेकिन चलता है, क्योंकि यहाँ पर पानी भरता है तो उसे निकलना तो पड़ता ही, तो वो यहाँ से होकर के निकलता है। तो गड्ढा भी देख लिया हमने, अभी चलते हैं धीरे धीरे घर की तरफ। और मूंगफली के जो दाता कहीं पर ज़्यादा गिर गया था ना नीचे, वो भी अब धीरे धीरे ग्रो होने लग गई है मूँगफली। ये देखो यहाँ से इतने में नहीं पहले ग्रो हुई थी, अब होने लग गई। और यहाँ पर भी देखिए तो धीरे धीरे होकर ग्रो हो जाएगी, बहुत सी जगह पर अभी भी नहीं ग्रो हुई है, इस तरफ ज़्यादा है। चलो उस तरफ से चलते हैं। अभी इस तरफ खराब हो जाएंगे तो फोन नहीं पकड़ पाऊंगा। देखो दिख रहे ये देखो देखो हो गए है ग्रो, ये यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर वापस दूसरा एक, यहाँ पर ये देखो यहाँ। तो क्या हुआ है ना कि ये नीचे बुआई हो गई है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो थोड़े टाइम में ये सारा ग्रो हो जाएगा, लेकिन अभी देखते हैं ना तो इतना दुख होता है कि ये ग्रो नहीं होगी तो नहीं होगी, तो लेकिन मस्त हो जाएगी क्योंकि जहाँ पर भी देख रहे हैं वहाँ पर ग्रो होने लगे है लेकिन बाहर नहीं दिख रही क्योंकि ज़्यादा अंदर हो गया है ना इसलिए, तो हो जाएगी ग्रो कंप्लीट। गाइस बादल गरजने लग गए हैं, अभी वापस बारिश आ सकती है शायद, ना आए तो अच्छा है, अभी आगे मैंने बताया ना, और आ जाए तो भी बहुत बढ़िया है, पानी का तो हम कर लेंगे। देखो यहाँ पर कागज लगे हुए हैं ना वो सूखने के लिए रखे हैं। पापा वो गेप है ना, हाँ इसमें देखा था मैंने थोड़ा, तो क्या पीला देखने ग्रो होने लगे थोड़े ऊपर आ गए,
दो तीन दिन वेट करेंगे जब तक सब कुछ पता चल जाएगा बढ़िया से। तो देखिए बारिश आने लग गई है, ऊपर अभी कागज बिछा दिया है इसीलिए ये कपड़े पहने हुए हैं। देखिए अभी तो और तेज होने लग गई है। तो लाइफ में प्रॉब्लम ना हो तो जीने का मजा ही क्या है, प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, सॉल्यूशन मिलता है नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ करते रहने। और मम्मी यहाँ पर बना रहे हैं छाछ क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ऑलमोस्ट बन गई है, अभी मक्खन निकाल रहे हैं। देखिए तो मम्मी इस तरफ ले लो वरना भीग जाओगे, क्योंकि अभी यहाँ से आगे ना कंडक्टर नीचे गिर गया है, इसलिए आज तो इलेक्ट्रिसिटी आने वाली है ही नहीं। कल से कंडक्टर गिर गया है, अब ये बारिश है इसलिए वो एल पर भी नहीं आ पा रहे जीएबी के, तो इस वजह से इस तरीके से छाछ बनानी पड़ी। तो हम ऊपर कागज बिछाने गए तब तक मम्मी ने बना दी। देखिए अभी तो ये प्यारा सा मक्खन निकाल रहे हैं। आज बाइक में एलपीजी भर रहे हैं गैस। देखिए ये चाचा के यहाँ से बोतल ले आई है, मतलब खाली था उसे भरवा लिया। अब हमारे पास तीन बोतल हो गए, एक यहाँ पर, दूसरा वहाँ है और तीसरा वहाँ किचन के लिए। तो ये दोनों में से एक खाली हो जाएगा कंप्लीट, तो वो वापस चाचा को दे देंगे। तो ये बाइक भी आज से चलना स्टार्ट हो जाएगी, वरना पेट्रोल पर चल रही थी। तो गाइस अभी चलते हैं जॉब पर हर दिन की तरह। इलेक्ट्रिसिटी तो आ गई है, अभी देखिए वो ठीक हो गया है, कंडक्टर का काम कंप्लीट हो गया है। तो घर पे पहुंच गया हूँ जॉब से, वापस आ गया। चलो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। बाय बाय।